एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार ठीक है हमारे साइड में बात नहीं बोलते लाला कहाँ कर रहे तो ही इसका मतलब है क्या कर रहे तो यहाँ क्या कर रहे हैं हाँ, उसका जवाब है Hey guys, a very good morning all of you. Welcome to the vlog. Today is 16th of October. और आप सबको बताइए कि आज वीकेंड का हो रहा है सैटरडे मतलब आज आप सबका वीकेंड प्लान होगा तो आज आपको घुमाएंगे हमारे साथ पूरा उदयपुर और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि निखिल भाई भी रेडी हो गए प्रेरक रेडी हो गया और मैं भी रेडी हो गया हूँ हमेशा की तरह और फर्स्ट टाइम उदयपुर में मैं नहाया है मैंने आज और नहा के रेडी हो गया हूँ और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम आपको कराएंगे एक्सप्लोर उदयपुर और थोड़ा बहुत जो हमारा काम है उसका भी थोड़ा बहुत हिंट देंगे क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस को कुछ कुछ पता चले और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि रूम की हालत देख के मुझे तरस आ रहा था कैसे साफ़ करें और जो भी साफ़ करेगा थैंक यू भाई अगर ब्लॉग देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी का सीन कुछ ऐसा है प्रेरक आ गया मुझे पिक करने के लिए क्योंकि वो घर गया था कुछ काम से और अभी जल्दी से मुझे पहुँचना है और सीन ऐसा है कि आज का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है तो ब्लॉग पूरा देखना मज़ा आएगा आपको। और चलिए शुरू करते हैं दिन की शुरुआत। तो अभी मुझे कुछ प्रोसेस है जो होटल में कंप्लीट करनी है और मिलता हूँ मैं वो सारी प्रोसेस करने के बाद। सो फाइनली गाइस अभी रूम का सारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट और मैं जल्दी से निकल गया क्योंकि निखिल भाई भी आ गए और राजस्थान की सबसे जरूरतमंद चीज़ है कोयला खत्म हो गया तो प्रेरक शायद आ ही गया होगा मुझे लगता है ऐसा ही रहा कि हमेशा की तरह वो मुझे वेट कर रहा है तो हमेशा की तरह लग रहा है कि आज भी भाई साहब ने थोड़ा वेट करा नहीं है तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ जल्दी से और मिलता हूँ बहुत जल्दी। तो अभी करते हैं फूड को एंजॉय फिर बताते हैं इसके रिव्यू। बिल्कुल हालत ख़राब है अभी जाते हैं कैफ़े पे अब पूरा सारा काम निपट लिया है कैफ़े पे जाते हैं मूव होते हैं और फिर वहाँ जाके आपसे ढंग से ही मिलते हैं क्योंकि अभी मेरी खुद की हालत नहीं होती जैसा आप देख रहे हैं पूरा दिन घूम फिर के हालत ख़राब होगी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो अब जा रहे हैं अच्छी जगह वहाँ जाके बैठते हैं और आपसे आप सबसे बातें करते हैं। हेलो गाइज आई एम बैक। अरे आपको लग रहा होगा मैं कैसे आ गया ये यश कब लोग हैं चलो पहले कैमरा पर रख देते हैं फिर बातचीत करेंगे। ओके ओके ये यार यश का कैमरा मेरे हाथ में नहीं आ रहा सॉरी ये ट्राइपॉड का वो दिक्कत है अपना दिक्कत नहीं है अपन अब सही है। हाँ तो अब बात करते हैं देखो यश ने मुझे उदयपुर घुमा दिया है अभी वो ऑर्डर लेने गया हुआ है मैं उसके लिए सरप्राइज रेडी कर रहा हूँ कि उसके ब्लॉग को मैं संभाल रहा हूँ बीच में मैं होस्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट तो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ यश ने मुझे बारीक बारीक चीज़ें बताई है मस्त मस्त चीज़ें बताई है और उदयपुर में पानी देख देख के मन भर गया मेरा पर उदयपुर रात को जितना हसीन दिखता है ना शायद ही कोई शहर होगा जो मैंने इतना हसीन अभी तक मैंने देखा होगा बाकी आगे देखेंगे पता नहीं। और जो भी मेरा पर्पज़ था कि भाई मैं एक्सप्लोर करूँ उदयपुर को बहुत सारी चीज़ें जो हमने कवर की हैं जब भी कोई टूरिस्ट आता है तो उसे जब कोई गाइड चीज़ों को दिखाता है तो एक अलग तरीके से दिखाता है लेकिन यहाँ पर यश ने जिस तरीके से मुझे दिखाया ना ऐसा लगता है जैसे मैं यहीं रह रहा हूँ मस्त मज़ा आ गया एकदम। अभी मस्त सा ऑर्डर आ जाएगा अपना वाला फिर खाना खाएंगे थोड़ा सा और फिर देखते हैं एक क्रूज़ कैफ़े कैसा है और फिर जैसे एक लास्ट है ये जो मुझे एक्सप्लोर करना था मुझे देखना था तब तक के लिए हम एंजॉय कर रहे हैं चिल। क्या चल रहा है डुबकी लगाओ सब चल जाएगा नहीं मतलब एक बार और
कोशिश करूं। को थोड़ा खिला क्या तो ये आदमी पागल हो जाता है, ये चलने का ही नाम लेता है। इस आदमी को थोड़ा बहुत कुछ खिला क्या तो पागल हो जाता है, चलने का ही नाम लेता है। भैया रुको, ओ भैया छोटे बच्चे की जान लोगे, रुक जाओ, माफ कर दो, मैंने कोई गलती करी हो तो माफी दे दो मेरे को। इतना घुमा दिया उदयपुर, अब ये मान नहीं रहा है ये बंदा, ऐसा सोच रहा है ये उदयपुर अपना ही अब घूमने का ही, मैं इनके पीछे चल रहा हूँ, अभी यही तक ये मेरे पीछे चल रहे थे पर अभी इनके पीछे मुझे चलना पड़ रहा है। हे भगवान। फाइनली अब जाके हमारे मेहमान थक के हार के सारा उदयपुर घुमा दिया मैंने इनको, और थक के हार के हम बैठे अब गार्डन में। और सेटिस्फाइड हो? और कहीं बच्चा और कुछ उम्मीद थी, जितना नाम सुना था वैसा ही सीढ़ी है, ये मानना पड़ेगा। पानी की कोई कमी इतनी पड़ी आपको? काश ये पानी बहता वो होता ठहरा वो पानी है, ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में आग लग जाती। इसलिए इन भाई साहब को इसलिए एक ही चीज़ समझ में आई कि इन्होंने मेरे से हर वक्त एक ही क्वेश्चन पूछा कि यस यहाँ पानी के बहता हुआ मिलेगा। मैंने कहा मैं भी इतने सालों से वही ढूंढ रहा हूँ, अगर आपको कहीं दिख जाए मुझे भी बताना है। और अभी का सीन ऐसा है कि, और दूसरी बात, अभी तक इन भाई साहब को ये समझ नहीं आया कि ये पानी बहता हुआ है या नहीं है, लेकिन ये पानी आया कहाँ से और कहाँ से यानी कम क्यों नहीं होता। पर ये सही में ये बहुत बड़ा सीन है उदयपुर का, ये पानी जब भी आप देखोगे ना, जब भी आप हुआ है और अभी काफी यानी उम्मीद से भी ज्यादा। हाँ, अभी सच में लगा नहीं था इतनी बारिश में इतना बढ़ जाएगा, पर उदयपुर अभी टोटली इस साल अकाल नहीं पड़ेगा बन, इसलिए हर साल नहीं पड़ता, पर इस बार तो लग नहीं रहा था कि पड़ सकता है ऐसा, पर अभी भी पड़ने के कोई चांस नहीं। और अभी थक के हार के मैं बैठ गया, मैंने कहा अब मैं सच में नहीं घुमा सकता। और थक के क्वेश्चन और उभरता है, इतना पानी होने के बावजूद भी यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स है जो भी सीनरीज है वहाँ सीलन क्यों नहीं है? ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन जी अगर आप देख रहे हो आप जरूर मेंशन करना, जवाब आपको ये भाई साहब देंगे। सीलन है हमारा नया गाना आ रहा है तो देसी म्यूजिक कंपनी पे नया सॉन्ग आ रहा है, कब आ रहा है? 18 अक्टूबर को। और हमारे जो साथी है उनके बिटिया का बर्थडे भी 18 अक्टूबर, तो मैं इनको मेंशन कर दूंगा, आप जाके विश कर देना, और जितना प्यार मुझे देते हो उतना उनको भी देना, और इनको तो हमेशा की तरह इनको जितना दे रहे हो उतना मेरे को दे देना। देना भाई देना। इनको जितना देते हो आप उतना मुझे भी दे देना। नहीं, ऑल टीम को दीजिएगा, सबको सबको सब बराबर के खेलते हैं, एक आदमी से पूरी टीम नहीं चलती, सबका सहयोग होता है तो ही वर्क होता है, और उन्हीं के पीछे हम हैं और उन्हीं के पीछे आप सब लोग। तो आपके कोई इस आदमी को इतना मतलब ही आदमी है, इसको अभी भी अपना काम करना है, इतना काम करने के बाद मैंने कहा भैया छोड़ दे, बैठ जाओ, रेस्ट करो, थक जाओगे। ये मिनट के लिए मैं तुम बोल लो, फिर मेरा बोलने का सेक्शन आएगा, तो मैं खत्म कर लूंगा तब तक। और सुबह से हमें एक चीज और, यहाँ के इन्होंने आलू खाए हैं और यहाँ से बड़ा आलू इन्होंने अभी तक देखा नहीं है कहीं पे, इसलिए चिल्ली पोटैटो का आलू, चिल्ली पोटैटो के अंदर का आलू है, इसलिए मेंशन करो ना। ये इनका ऐसा कहना है कि इतना बड़ा आलू मैंने पोटैटो में नहीं डलता है, नहीं डलता है, अलवर में भी नहीं देखा इन्होंने, अलवर में भी नहीं देखा, अलवर में दिल्ली में भी नहीं देखा, समझ रहे हो? अब उसका कारण मैं बता सकता हूँ। हाँ, क्योंकि इनका मुंह है छोटा, इसलिए इनको आलू बड़ा ही लगेगा। ना ना, छोटा 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 है, 5 फुट 11 इंच का अच्छा गट्टा लोड़ना, छोटा मुंह मेरा। हमने मुंह की बात करी है, पूरी बॉडी की नहीं करी, मुंह की बात करी, माउथ की बात करी है मैंने, छोटा है और आलू है बड़ा, तो इनको बड़ा ही लग रहा है। छोटा मुंह बड़ी बात सुनाते, छोटा मुंह बड़ा आलू, इसलिए ये भारी सेक्शन हो गया, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा आलू बड़ा मुंह, छोटा मुंह बड़ा आलू, गजब कर दिया। तो हम आराम से व्यू का मजा ले रहे हैं, इसलिए मजा जबरदस्ती बैठा है, मैंने कहा भैया बैठ जाओ, मैं थक गया हूं, प्लीज बैठ जाओ, क्योंकि ऐसा है ना कि
बहुत मतलबी आदमी है और इनका मतलब आपको कुछ टाइम में पता पड़ेगा, अभी कुछ रिवील नहीं करेंगे ना कुछ ऐसा मतलब, बस एक चीज़ हो। लेकिन जितने भी पिकनिक स्पॉट देखे, शूटिंग स्पॉट देखे हमने, लेकिन वहाँ पे हमें चाय नहीं मिली, कोई कैंटीन नहीं मिली, लेकिन चाय पीने के लिए और वो भी कुल्लड़ स्पेशल तेलियों की बाड़ी में जाके पी हमने, इतना महंगी ये चाय पेट्रोल से ज़्यादा महंगी, चाय 30 रुपीज की, पेट्रोल से ज़्यादा महंगी होगी, पेट्रोल तो 115 पे पहुँच गया। उदयपुर नगर निगम, अगर उनमें से कोई भी मेंबर देख रहा है मेरा ब्लॉग अभी, तो उनसे बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आप जहाँ पे भी पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे चाय रखो, क्योंकि चाय पीने वाले लोग रहते हैं, ये कॉफ़ी पीने वाले अब कम आते हैं, चाय चाय होनी चाहिए। मैं चाय कॉफ़ी दोनों ही नहीं पीता, नींबू पानी पीता है तो कुछ नींबू भी नहीं। हाँ यहाँ दूध, तो एक आदि अगर जिनको दूध पीना है उनके लिए गाय रख दो वो पी सकते, चाय के लिए तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक बार ठीक है, हमारे उसका जवाब है हाँ। तो भाई एक बार फिर से ये जो ब्लॉग का सिलसिला है उसको मैंने पकड़ लिया अपने हाथों में, ठीक है। तो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ लास्ट में, जो यश ने हमें जैसा होस्ट किया है वो बहुत ही प्यारा था, ठीक है। देसी मुझे कंपनी की तरफ से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, अपने कुछ अलवर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ऐसे ही यश है वो अपने उदयपुर सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी इनकी ऑडियंस है, सब एकदम मिल जाओ और इनके चैनल्स को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, और देसी मुझे कंपनी के जितने भी वीडियोज़ हैं, यश आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के सजेस्ट करेगा कि ये वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ देखना, और उदयपुर के असली लोगों, उदयपुर के असली लोगो एक बार जरूर देखना, क्योंकि मैं उदयपुर वापस आने वाला हूँ मे भी जल्द ही, ठीक है। कुछ नया बनने वाले, उदयपुर से प्यार हो गया मुझे, मैं जल्दी वापस भी आऊँगा, एक बार और घूमने आऊँगा। अभी हमारा लास्ट विजिट था वो हो चुका है, तो इसके साथ साथ हमसे जुड़े रहे, हम दोनों को प्यार करते रहे, लव यू, बाय बाय। मैंने लिखा है साहब आ गया हूँ मैं अपने खुद के काम पे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने सौंप दिया था निखिल भाई को, और अभी का सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे अब डर लग रहा है कि मेरा धुना छीना जा सकता है। और यहाँ पे सर है, उनका भी यही कहना है कि यस तू अपने काम पे ध्यान दे दे, वरना तू लोग मुझे बोलेंगे कि यश तू अब समझ नहीं आ रहा क्यों था किसी और बुलाए, परदेसी साथ क्या निभाओगे। लेकिन हम कहते हैं हम तो ठहरे परदेसी, जिंदगी भर साथ निभाएंगे, तो सर का कहना है ऐसा। तो सपोर्ट कीजिए यश को, इसके चैनल को, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अभी का सीन ऐसा है कि अब इतना सब कुछ देख रहे हो तो गैस करो कुछ नया आएगा, जिनमें बहुत से अनोखे चेहरे आपको दिखेंगे और मज़ा आएगा आपको, तो स्टे ट्यून। और अपना चैनल तो अपन रोज वाला है, अपन रोज़ मिलते रहेंगे पर किसी नई चीज़ के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। क्या कहना सर आपका कुछ? मेरा है जो हमें सपोर्ट यश भाई ने करा है, उसकी मैं जितनी भी बुरी बुरी प्रशंसा करूं वो कम है, और उदयपुर आके बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं कई बार आया हूं यहां, लेकिन किसी नए को साथ लेके आया, लोकेशन दिखाई, और जो अगला प्रोजेक्ट है आने वाला है उसको वॉच कीजिए और सपोर्ट कीजिए, समझ रहे हो? तो बस इतना ही, अब ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, एक बार इनसे थोड़ा डील है, डिस्कस है, वो कर ले तो फिर मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस निखिल भाई अब जाने का हो रहा है आपके, हाँ इच्छा तो रुकने की है पर यार क्या करें, काम है। तो अभी बड़ा मज़ा आया मेरे को, और आप ऑडियंस लोगों से भी मिलकर मेरे को बड़ा मज़ा आया। आई होप आपसे दोबारा मिलेंगे, किसी ना किसी और ब्लॉग मिलेंगे, जब भी दोबारा आऊँगा मैं ज़रूर याद करूँगा। अब मिलता हूँ मैं आपको वीडियो में, फाइनल आउटपुट में देखते हैं कि क्या आने वाला है, ठीक है, लव यू, बाय बाय। तो निखिल भाई का साथी है, बस आपने मिलेंगे, ओके सर स्कूटी लेके जा रहे हो, इनको कहने का वक्त आ गया अलविदा, तो मैं भी इनको अलविदा करता हूँ, अच्छे से मिलते हैं फिर खाने के वक्त, मिलते हैं आपसे क्योंकि बैटरी लोगी है, तो समझ जाओ आप थोड़ा सा। फाइनली गाइज इस टाइम टू से उदयपुर बाय, और अब प्रेरक भाई आ गए मुझे छोड़ने के लिए, तो अब मैं निकल रहा हूँ बस में, क्योंकि घर से भी फोन आ गया, पापा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, और प्रेरक से थोड़ी बहुत बातें करनी है वो करता हूँ पूरी, और फिर मिलता हूँ सीधा आपसे बस में।